ये मौत का मातम नहीं, जश्न है, जश्न है जिंदगी के मंजिल तक पहुंचने का। मौत यानी सबसे बड़ा सच, ये वो सच है जिसका सामना हर किसी को करना है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। मजहब फर्क हो सकते हैं, जीवन शैली मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अंत नहीं बदलता। इतना जरूर है कि कहीं माटी की देह माटी में मिल जाती है तो कहीं अग्नि में शरीर की आहुति होती है। लेकिन इस खुदगर्ज समाज में पुरसुकून मौत भी मयसर नहीं। बेबसी और दर्द के इस मंजर ने जितेंद्र सिंह शंटी को झकझोर कर रख दिया। अरे जिंदगी भली न थी न सही, कम से कम मौत को तो मकाम मयसर हो। यही सोच इरादों में बदली और वतन के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर शहीद भगत सिंह सेवा दल बनाकर जितेंद्र सिंह जुट गए उन मुफलिसों और मोहताजों की मदद में जिनके पास संस्कार तक कराने की ताब नहीं। दिल्ली के निगम बोध घाट पे जब एक व्यक्ति को लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठाते हुए देखा हमने, तो हमें लगा शायद ये चोरी कर रहा है लकड़ियों को। लेकिन जब उसे पूछा तो पता लगा कि उसके एक जवान पुत्र की मृत्यु हो गई है और उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि उसको संस्कार कर सके। कोई चारा ना देख के उसने लोगों की जली हुई लकड़ियों को उठाने का प्रयास किया। मौत को मान देने की मुहिम में वो इस कदर रमे कि अपने सारे सुख दुख बेसहारों पर निसार कर दिए। यही वजह है कि कई राज्यों में फैला शहीद भगत सिंह सेवा दल अब तक 35,000 लोगों की मदद करने के साथ साथ 8,000 लोगों का दाह संस्कार भी करवा चुका है। लेकिन तारीख गवाह है कि सच्चाई की राह पर जो भी इंसानियत का आलम लेकर निकलता है उसे विरोध का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अगर इरादे मजबूत और नेक हों तो विरोध को सहयोग बनते देर नहीं लगती। जी पहले पहले बहुत आता था, झूठ नहीं बोल सकती, यंग एज में बहुत क्रेज होता है तो जाते थे तो बड़ा महसूस होता था। मैंने कहा पापा लेने आ जाओ, कहते मैं आ रहा हूँ। उनको कोई एम्बुलेंस कॉल हो गई और वो चले गए। मैं 3 घंटे धूप में था क्योंकि वहाँ पे कोई रिक्शा या ऑटो कुछ नहीं था और मैं 3 घंटे पैदल चल गया धूप में। लेकिन जब मैंने आगे पापा से लड़ा और पापा ने कहा कि किसी की जान खतरे में थी उसको बचाने का, तो उल्टा मैंने पापा को थैंक यू कहा कि आप मेरे को लेने नहीं आए, लेकिन उसकी जान तो बच गई। जितेंद्र सिंह ने साबित कर दिया है कि सिर्फ अपने लिए जीना जिंदगी नहीं, सिर्फ जीते जी साथ निभाना भी जिंदगी नहीं। जहां सांसों का सफर खत्म होता है और रूह का सफर शुरू, बात तो तब है कि दूसरी दुनिया के सफर पर जाने में कोई मदद करे, वो भी बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के। शायद यही होती है सच्ची इंसानियत। जितेंद्र सिंह शंटी को देखकर तो बस यही लगता है कि अगर दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हों तो फिर फरिश्तों की जरूरत ही ना पड़े। कुछ जरूरी नहीं कि फरिश्ता बने आदमी, आदमी हो काफी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन ऋषि के साथ रूफी जैदी, P7 न्यूज़।